अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, आज के इस वाकये में हम जानेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब हजरत फातिमा ने एक करीज की मांग की तो ऐसी क्या बात हो गई कि आप रसूल पाक ने हजरत फातिमा तो जहरा को कनीज देने से बिल्कुल मना कर दिया। जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली और चहेती बेटी हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर का पूरा काम काज खुद अंजाम दिया करती थी। झाड़ू अपने हाथ से देती, चक्की अपने हाथ से पीसती, से हाथों में गड्ढे पड़ जाया करते थे। आग के पास बैठकर गर्मी की शिद्दत के बावजूद खाना पकाती थी। उन तमाम अमूर कामों को अंजाम देने के बावजूद अपने शोहर हजरत अली की खिदमत में कभी भी कमी वाकया न होने दी, नहीं कभी एक वक्त की नमाज कजा की। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में माले गनीमत में बांदी और गुलाम आए। आप अपने शोहर के बेहद इसरार पर डरते डरते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में एक बांदी घरेलू कामकाज के लिए तलब करने गई तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बता दूं जो उससे बेहतर हो जिसका तुमने मुझसे सवाल किया है। फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम सोने का इरादा करो तो 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। बुखारी शरीफ सफा नंबर 403।